नमस्कार, मैं सौम्या वाशने, एटी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की खास खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित। योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में 15,000 लोगों की सभा को प्रबुद्ध जन सम्मेलन में संबोधित किया। साथ ही उन्होंने 86.55 करोड़ की 88 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का दौरा आगामी आने वाले निकाय चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सही 1:05 पर नुमाइश सामने बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच पर जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया। भाइयों बहनों, अलीगढ़ प्रदेश का एक प्रमुख जनपद और महानगर है, अपनी इसकी एक पहचान है। पौराणिक काल से लेकर के देश की आजादी की लड़ाई के दौरान अग्रणी भूमिका में अलीगढ़ ने सदैव नेतृत्व प्रदान किया। आजादी के बाद अलीगढ़ ने प्रदेश में और राष्ट्रीय नेतृत्व स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान करने के लिए सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अलीगढ़ के विकास के लिए अलग अलग स्तर पर निरंतर प्रयास हुए। कभी बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ के परंपरागत उद्यम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ताला नगरी के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और आज मैं अलीगढ़ के इसी हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बीच आया हूं कि विगत 8.5 वर्ष के दौरान आपने देश को बदलते हुए देखा है। देश आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भाइयों बहनों, किसी भी देश के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने आया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की सुविधा
जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया। गरीबों के लिए आवास मिलेगा, अपने हम प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ 70 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। और भाइयों बहनों, अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा, 8,62,000 से अधिक आवास फिर से आ गए हैं, जिसे हम गरीबों को वितरण करने जा रहे हैं। यानी हर गरीब को सिर रखने के लिए छत उपलब्ध कराने का पुख्ता व्यवस्था ये भी किया गया है। 2 करोड़ युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये नौजवानों उत्तर प्रदेश के जो सिटी ही स्मार्ट नहीं होगी, हमारा युवा भी स्मार्ट होगा। और उस युवा स्मार्ट नौजवान के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की व्यवस्था के साथ साथ उसके कैरियर काउंसिलिंग के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। कम्युनल कोचिंग की व्यवस्था हर एक जनपद के अंदर फ्री में, और इस बार कम्युनल कोचिंग में उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा संपन्न हुई उसमें 45 नौजवान केवल अभ्युदय कोचिंग में जिन्होंने कोचिंग की थी वहां से वो उनका सिलेक्शन हो गया। यानी आप देख रहे होंगे आज नौकरी के लिए सिपाही खानदान वसूली के लिए नहीं आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ 80 न्यूज़ इंडिया पे।